चलो गाइस, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक 4 GB का डिवाइस है, या फिर 2 GB या फिर 3 GB रैम का, ठीक है। जैसा कि मैं अभी खेल रहा हूँ 4 GB में, और प्लस उसमें आप DPI भी नहीं लगा रहे हो। सो ऐसे कंडीशन में अगर मैं बोलूँ आप एकदम क्लोज रेंज में क्या वन टैप मार पाओगे, मतलब एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में, जैसा कि अभी बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है, सभी ज़्यादातर व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहा है सभी का आंसर सेम होगा, इम्पॉसिबल। और अगर हम लोग कुछ पब्लिक ओपिनियन की बात करें, लाइक चलो हम अपने फ्रेंड से पूछ कर देखते हैं। अरे हेलो रोमियो, एकदम शॉर्ट रेंज में वन टैप मार पाता है? सुन सुन सुन, एकदम शॉर्ट रेंज में मतलब एकदम चिपका आगे वन टैप मार पाता है? वन टैप तो लग जाता है, लेकिन जब बंदा एकदम ही शॉर्ट रेंज में आ जाता है तो वन टैप नहीं लगता है। हाँ मतलब एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में। हाँ बट बहुत कम। नहीं भाई, ना के बराबर। वेट, अब ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। जो जो सब्सक्राइबर्स या जो जो व्यूअर्स इस वीडियो को एंड तक देखेगा, उसका वन टैप लिटरली आज के बाद टोटली चेंज होने वाला है, और वो भी एकदम शॉर्ट रेंज में वन शॉट मार सकता है, वो भी अपने 2 GB या फिर 3 GB रैम वाले डिवाइस में। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने फुल ट्यूटोरियल कवर करके रखा है कि आप लोग कैसे वन टैप मार सकते हैं एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में, और बेसिकली आप लोगों के वन टैप क्यों नहीं लगते हैं, तुम लोग ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से एकदम शॉर्ट रेंज में तुम लोग वन टैप नहीं मार पा रहे हो। सो यस, वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर पहले कभी वीडियो नहीं बनाया है। और गाइस एट द एंड मैं अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वन टैप मारते टाइम शॉर्ट रेंज में, ठीक है। सो यस, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ओपी कॉन्सेप्ट है। सो अभी चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और अगर फराठेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउटनट ऐप लाया है आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो जाइए और डाउटनट ऐप पर ये कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत पर सबसे बढ़िया दाम और बेस्ट क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर ही मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो गाइस, इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी देने वाला हूँ और जो चीज़ इंप्लीमेंट करने बोलने वाला हूँ, तुम लोग सभी उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना, तभी तुम लोग एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में वन टैप मार पाओगे। सो देखो, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्रैग स्पेस। क्योंकि गाइस अगर हम लोग क्लोज रेंज वन टैप की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में ड्रैग स्पेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखो कैसे, मोस्ट ऑफ द फ्री फायर प्लेयर्स को मैंने देखा है, वो लोग यही गलती करता है, अपना फायर जो बटन होता है बहुत बड़ा कर लेता है, और फायर बटन का प्लेसमेंट भी गलत जगह पर शिफ्ट कर देता है। अब ऐसे कंडीशन में तुम लोग इधर जो ड्रैग स्पेस बचता है, मतलब समझ रहे हो, ड्रैग स्पेस मतलब तुम लोग कितना ऊपर तक ड्रैग कर पाओगे, उसका जो जगह होता है उसी को बोलता है ड्रैग स्पेस, ठीक है। अब देखो ये स्पेस बहुत कम हो जाता है इधर, और ऐसे कंडीशन में वो बंदा वन टैप लेने की कोशिश करता है। सो देखो, अगर मैं थोड़ा सा मिड रेंज में होता हूँ, सो इजीली मेरे वन टैप वर्क कर रहे हैं, बहुत इजीली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास इतना ही ड्रैग स्पेस रहता है, और मैं शॉर्ट रेंज में ट्राई करता हूँ, एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में। अब मैं अगर ड्रैग करता हूँ, तो देखो ऐसे कंडीशन में मेरे एक भी वन टैप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और बस ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा ड्रैग स्पेस बहुत कम है। तुम लोग एकदम ऊपर तक ड्रैग कर रहे हो, बट स्टिल तुम्हारा जो एम है और जो एनिमी का हेड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उतना बड़ा इधर ड्रैग स्पेस हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से तुम्हारा एम जा रहा है डायरेक्ट चेस्ट पे। तो ये हो गया सबसे बड़ा मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर करता है। तो देखो गाइस, इसको बिल्कुल तुम लोग फिक्स कर सकते हो, अपना फायर बटन थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, और उसको एज वेल एज पॉसिबल नीचे कर लो, मतलब थोड़ा ड्रैग स्पेस हम लोग इधर मिलना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ, ऐसे कंडीशन में मैं अगर ऊपर तक ड्रैग करता हूँ, तो मेरा एम इजीली हेड तक जा रहा है, क्योंकि इधर इतना ड्रैग स्पेस हम लोगों को मिल रहा है। तो यस गाइस, शॉर्ट रेंज में ड्रैग स्पेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम लोग का ड्रैग स्पेस जितना ज़्यादा रहेगा, उतना इजीली तुम लोग हेड मार पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे बोलेंगे, भाई मेरा फायर बटन भी नीचे है और मेरा फायर बटन उतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी मेरे वन टैप हेडशॉट नहीं लगते हैं एकदम शॉर्ट रेंज में, क्यों? सो इसको कवर करते हैं नेक्स्ट ट्रिक में आ जाओ। सो गाइस, सेकंड ट्रिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है, वन टैप मारने के लिए क्लोज रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो है एम। और ज़्यादातर बंदे रॉन्ग प्लेसमेंट में एम रखने की वजह से वन टैप नहीं मार पाता है। तुम सभी को पता है शॉर्ट रेंज में वाइट एम चलता है, जिसको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट रेंज में वाइट एम चलता है। ऑलवेज तुम लोग अपने एम को वाइट करना है, फिर फायर करना है, ठीक है, शॉर्ट रेंज में। सो गाइस, हम लोग देखो अपने एम को 3 जगह पे प्लेसमेंट कर सकते हैं वन टैप लेते टाइम। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एम प्लेसमेंट की जगह है, वो है टॉप ऑफ द हेड, मतलब हेड के ऊपर। यहाँ पर एम प्लेसमेंट करके भी हम लोग इजीली हेडशॉट मार सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा बंदे बोलेंगे, तू पागल हो गया क्या? सो गाइस, क्या आप लोग वाइट एफएफ को जानते हैं? नहीं, मैं वाइट 444 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइट एफएफ, जो एक मोबाइल प्लेयर है और ब्राज़ील सर्वर का सबसे डेंजरस वन टैप लेजेंड है। सो देखो, मैं उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो टॉप ऑफ द एम ट्रिक है उसी ने बनाया है, ठीक है, मतलब उसी ने डिस्कवर किया है,
और मैंने खुद उसी से सीखा है, ठीक है। सो फुल क्रेडिट जाता है उसी बंदे को। ये हो गया फर्स्ट इम्प्लेसमेंट। अब जो सेकंड इम्प्लेसमेंट आता है और जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, वो है अंडर द फीट एम टेक्निक। तुम लोगों को क्या करना होता है, अपने एम को एनिमी के पैरों के नीचे रखना पड़ता है वाइट करके और फिर ड्रैग करना होता है। अब देखो गाइस, अगर बात आता है एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज की, मतलब एकदम शॉर्ट रेंज में, ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग रेड एम से फायर करते हैं तो कभी भी वन टैप नहीं लगेंगे। और अगर ये मिस्टेक कर रहे हो, शॉर्ट रेंज में एनिमी होता है फिर भी तुम लोग रेड एम से फायर करते हो, तो भूल जाओ, तुम लोग कभी शॉर्ट रेंज में वन टैप मार पाओगे। क्योंकि शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने के लिए ये जो दो एम टेक्निक मैंने बोला, इसी दो टेक्निक को यूज करना है ऑलवेज तुम लोगों को। सो गाइस, सबसे इजीएस्ट वे होता है अंडर द फीट एम टेक्निक। सो तो क्या करना होता है, एनिमी के पैरों के नीचे अपने एम को रखो। और एक चीज ध्यान देना, एनिमी जितना शॉर्ट रेंज में होता है हम लोग अपने एम को उतना ही दूर रखेंगे, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, इधर एनिमी बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने एम को बहुत ज्यादा नीचे करता हूँ, ठीक है, बहुत नीचे। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो इजीली मुझे वन टैप मिल रहा है, बहुत इजीली मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें हेड के ऊपर एम रख के हम लोग कैसे हेड शॉट ले सकते हैं, तो सिंपल सा, तुम लोग ऐसे ऊपर एम रखना है, ये जो तुम लोग का फायर बटन है इसको नीचे करके ऐसे ऊपर ड्रैग करना, ठीक है, मतलब पहले नीचे जाएगा फिर ऐसे ऊपर, और तुम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, एक बहुत बढ़िया सा वन टैप। सो गाइस, सबसे लास्ट चीज बचता है वो ड्रैग प्रोसेस। देखो, तुम लोगों को हमेशा शॉर्ट रेंज में रोटेशन ड्रैग का यूज करना है। जब एनिमी मूव कर रहा होता है इधर उधर, या फिर वो भी तो खेलेगा ना, वो थोड़े ऐसे खड़ा रहेगा, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए खड़ा है ये बंदा। तो देखो, अपोनेंट में जब एनिमी मूव करता है और तुम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में होते हो, ऐसे कंडीशन में तुम लोगों को हमेशा रोटेशन ड्रैग करके हेडशॉट लेना है। अब मैं रोटेशन ड्रैग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, कैसे मारना है या फिर कैसे करके ड्रैग करना है, मैंने दो दो वीडियो बनाकर रखा है रोटेशन ड्रैग के ऊपर, तुम लोग जाना देखना। सो अब जो नेक्स्ट ट्रिक आता है वो है फास्टली ड्रैग। अब देखो, एनिमी जब बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में होता है, ऐसे कंडीशन में तुम लोग स्लोली ड्रैग करके कभी भी वन टैप नहीं मार पाओगे। जैसा तुम लोग नॉर्मल ड्रैग करते हो वन टैप मारते टाइम, उससे थोड़ा फास्टली ड्रैग करना है जब एनिमी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में होता है, ठीक है। सो यस गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बट गाइस, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो क्या इसका पार्ट 2 चाहिए, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और गाइस, जो जो बंदे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं। सो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। सो फिलहाल के लिए चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।